सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम। एजुकेशन से मुतालिक अब तक की जो कि लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसे तमाम एजुकेटर्स या टीचर जिन्होंने एमफिल या पीएचडी किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, उन तमाम को 16, 17 या 18वां स्केल देने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को एजुकेशन से मुतालिक तमाम न्यू अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब असेंबली एमफिल और पीएचडी स्कूल टीचर्स को ग्रेड 17 और 18 देने की करारदाद जमा। अब पंजाब असेंबली में यह करारदाद जमा करा दी गई है ऐसे तमाम टीचर जिन्होंने एमफिल या पीएचडी किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, वो प्राइमरी टीचर्स हों या मिडिल के टीचर हों या हाई स्कूल के टीचर्स, उनको ग्रेड 17 और 18 देने के लिए करारदाद जमा करा दी गई है पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली में एमफिल और पीएचडी स्कूल टीचर्स को ग्रेड 17 और 18 देने की करारदाद जमा करा दी गई। यहाँ पर भी अब आप लोग देख सकते हैं ने कहा है कि एमफिल और पीएचडी डिग्री के हामिल स्कूल असातिज़ा लोन स्केल 14 और 15 में काम करें। वही बात हुई जो मैंने आप लोगों को पहले कहा कि ऐसे तमाम टीचर जो 14 और 15 में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एमफिल और पीएचडी पास किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, जबकि यूनिवर्सिटी में उनको ग्रेड 18 और ग्रेड 18वां और 19वां दिया जाता है, इसलिए स्कूल असातिज़ा अपग्रेड किया जाए ताकि उनका एहसास महरूमी ख़त्म हो सके। एजुकेशन से मुतालिक अब तक की जो कि लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। पंजाब असेंबली में प्राइमरी टीचर्स, मिडिल टीचर्स और हाई स्कूल जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने एमफिल या पीएचडी किया वह तमाम टीचर्स को 17वां या 18वां स्केल देने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाजमी से लाइक कर दें। लाइक करने से आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं होता, बस मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।